तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। उनके लोगों के मफादात के लिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की। तेल 30% कम कीमत पे दे रहा था, तेल 30% कम कीमत पे, इसका मतलब कि पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम पे हम बेच सकते थे। उसके अलावा हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी थी रूस से, वो भी हमें 30% कम कीमत पे दे रहे थे। मैं इसलिए गया था कि मेरे लोगों को फायदा था, मेरी आवाम को फायदा था, मैं महंगाई कम कर सकता था। और ये देखें कि हिंदुस्तान जो अमेरिका का करीबी अलाई है, स्ट्रेटेजिक अलाई है, वो तेल मंगवा रहा है रूस से। उसको अमेरिका ने कहा कि ना तेल खरीदो, उसने आगे से सीधा जवाब दिया अमेरिका को कि हम अपने लोगों के मफादात के लिए फैसले करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की मफादात के लिए। यह भी पसंद नहीं आई बात, चाइना से ताल्लुकात वो भी पसंद नहीं आए, तो तब बाहर से साजिश होनी शुरू हुई। लेकिन ये याद रखें कि साजिश कभी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अंदर मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक ना बैठे हों।